हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर के लास्ट क्लास में अपन ने 21, 22 तक क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 23 में पढ़ रहा हूँ, आपको अपनी बुक में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, फाइंड द ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर द स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज द मोर देन 11। ये कह रहा फाइंड द ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्जुकेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स आपको फाइंड करना, उनका पेयर फाइंड करना है, बोथ ऑफ विच जिसमें से आर स्मॉलर देन 10, दोनों के दोनों 10 से छोटे हैं और उनका जो सम है एंड सच दैट देयर सम इज द मोर देन 11 और उनका जो सम है वो 11 से ज़्यादा है, तो आपको बताना है आपके पास में कि वो कॉन्जुकेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे। और पॉजिटिव कॉन्जुकेटिव मतलब जो कंटिन्यूस में आते हैं, जो लगातार आते हैं, उनको कहते हैं अपने पास में कॉन्जुकेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स। समझना, देखेंगे कैसे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा था आपके पास में कि स्टूडेंट्स टू कॉन्जुकेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दो कॉन्जुकेटिव मतलब दो कंटिन्यूस और पॉजिटिव इंटीजर्स है, दोनों क्या है, दोनों के दोनों 10 से छोटे हैं, स्मॉलर देन 10 है और दोनों को अगर सम कर दिया जाए तो उनका जो सम है वो 11 से ज़्यादा है, तो देखेंगे कैसे। तो हमने लेट कर दिया, लेट टू कॉन्जुकेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड x प्लस टू। समझना बात को बेटा, कैसे है कि अगर पहला x होगा तो दूसरा और पॉजिटिव इंटीजर्स कौन सा होगा। जैसे पहला x आपके पास में 5 है, x 5 है तो दूसरा नेक्स्ट ऑड कितना होगा, 7 होगा। अगर आपके पास में 3 होगा तो और पॉजिटिव इंटीजर्स कितना होगा, नेक्स्ट 5 होगा, तो कितना हो जाएगा, उसके अंदर आपको 2 ऐड करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स 2 ऐड करेंगे तभी तो नेक्स्ट ऑड आएगा, अगर आपने 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। आपने को दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए थे, दोनों के दोनों ऑड होने चाहिए थे। तो स्टूडेंट्स पहला x है तो दूसरा और पॉजिटिव इंटीजर्स कितना रहेगा, x प्लस 2, क्योंकि आपको ऑड लेना है, इवन ऑड नहीं। कॉन्जुकेटिव अगर ये नहीं लेता कि कॉन्जुकेटिव ऑड नहीं लिखता, केवल लिखता कॉन्जुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो क्या होगा x x प्लस 1। ओके, ऑड लिखना है तो ऑड होना चाहिए। अगर पहला x है तो दूसरा ऑड कितना होगा, आप 2 ऐड करेंगे तभी तो ऑड आएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 आएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे 7 आएगा, 7 में 2 ऐड करेंगे 9, तो ऑड आते रहेंगे। तो पहला x हो गया, दूसरा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, x प्लस 2, ये हमने लेट कर दिया, एज्यूम कर लिया। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, पहला भी x था, x 10 से छोटा है ना, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, तो x भी आपके पास में 10 से छोटा है एंड आपके पास में ये जो x प्लस 2 था, दोनों के दोनों क्या है, 10 से छोटे हैं और दोनों का सम, जो सम है स्टूडेंट्स वो कितना है, 11 से ज़्यादा है, तो दोनों के सम को अपने क्या कर दिया, 11 से ज़्यादा कर दिया। x प्लस 2 मतलब इसका और इसका सम, तो x x प्लस 2 का सम कितना है, 11 से ज़्यादा, जैसा कि हमें क्वेश्चन ने कह रखा है। चलते फ्रॉम इक्वेशन टू से क्या आ रहा है, x प्लस 2 इज लेस देन टू 10 है, हम 2 को उधर भेज देंगे तो 6 आपके पास में 10 माइनस 2 8 हो जाएगा, तो x इज लेस देन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 8 हो गया, पहला आ गया। दूसरा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इसको तो क्या सॉल्व करते, वैसे 10 से छोटा है, ओके इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन टू 11 हो गया, तो 2x इज ग्रेटर देन टू 11 माइनस 2 तो 9, तो x इज 9 बाई 2, x इज ग्रेटर देन टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4.5, या 4.5 हो गया। मतलब आपका जो पॉजिटिव इंटीजर आने वाले हैं वो कितने हैं, 4.5 से ज़्यादा इंटीजर्स। बात दिमाग में, इंटीजर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स वो वैल्यू होती है, नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज होती है इंटीजर्स, जिसका डिनोमिनेटर 1 होता है, ओके। तो ये कह रहा है एक्स जो है 4.5 से ज़्यादा है और 8 से क्या है, कम है, तो हमने लिखा कि देयरफॉर इन दोनों से आपके पास में क्या आ गया कि एक्स इज लाई बिटवीन ग्रेटर दैन टू 4.5 लेस दैन टू 8, इन दोनों के बीच में आपको ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो पहला ऑड पॉजिटिव इंटीजर 4.5 से बड़ा कितना हो जाएगा, 5, और दूसरा कितना हो जाएगा, सेकंड इंटीजर कितना हो जाएगा, 7, और चाहिए ना 5 और 7। अब आपके पास में ये भी हो सकता था कि इससे बड़ा तो सर 7 भी होता, बिल्कुल हाँ ये भी हो सकता है, 7 अगर 5 ना होकर के पहला आपने 7 लिया तो दूसरा कितना हो जाएगा, 9, और पहला 5 लिया तो कितना हो जाएगा, 7। अब इससे ज़्यादा नहीं जा सकते क्योंकि लिमिटेशन ही कितनी है, 8 और 4.5 के बीच में, तो 4.5 और 8 के बीच में पहला 5 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 7, और पहला अगर आपके पास में 7 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 9। तो इस तरीके का आपके पास में क्वेश्चन है, जिसको आपको क्वेश्चन को समझना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपके पास में बुक में दे रखा है बेटा, 24 नंबर का क्वेश्चन सेम वो आपको करना है HW में, उसके अंदर क्या करना है देखेंगे, उसके अंदर इवन लेट करना है, इवन लेट करना है। तो आपको क्या करेंगे, लेट टू कॉन्जुकेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, अगर x है तो दूसरा इवन कब आएगा,
भाई जैसे 2 आ गया, 2 इवन है तो दूसरा नेक्स्ट इवन कब आएगा, जब आप 2 ऐड करोगे। तो सेम इड ऑड पॉजिटिव को हटा करके यहाँ क्या लिखना है, ऑड को हटा करके क्या लिखना है, इवन एज इट इज नंबर रहेंगे x और x प्लस 2, क्योंकि इवन अगर पहला x इवन है तो दूसरा x इवन कब आएगा, जब उसमें 2 ऐड होंगे। और जैसा भी क्वेश्चन कहेंगे वैसे उसके अंदर लेस देन वेस देन करना है, सम करना है, फिर आपको इस तरह के क्वेश्चन करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह का क्वेश्चन नंबर जो 24 है वो आप होमवर्क में कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को, कि क्वेश्चन नंबर 24 को होमवर्क में किस तरीके से करना है आपको, है ना। तो नेक्स्ट चलेंगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 के, देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25 के, 25 में हमें क्या करना है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 25 में पढ़ रहा हूँ, आप बुक में से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स एज द शॉर्टेस्ट साइड, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड्स एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। जो थर्ड साइड है वो 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन टू लॉन्गेस्ट साइड। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज एटलीस्ट द 61 सेंटीमीटर, ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो 61 सेंटीमीटर है, एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। एक शॉर्टेस्ट साइड है उसकी मिनिमम लेंथ फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ना, एक उसकी शॉर्टेस्ट साइड है, एक लॉन्गेस्ट साइड है ना, और एक थर्ड साइड है, तीन साइड है, तीन साइड का ट्रायंगल होता है। एक का नाम आपके पास में शॉर्टेस्ट साइड रखा है, एक का नाम आपके पास में लॉन्गेस्ट साइड रखा है, और एक का नाम क्या रखा है, थर्ड साइड रखा है। ओके, अब अपने पास में क्वेश्चन ये कह रहा है आपके पास में कि जो आपके पास में लॉन्गेस्ट साइड है वो कितनी है, जो आपकी शॉर्टेस्ट साइड है उसका 3 टाइम्स है, मतलब उसका 3 टाइम्स है ना, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। और जो उसकी थर्ड साइड है वो कितनी है आपके पास में, जो उसकी आपके पास में लॉन्गेस्ट साइड है उससे 2 कम है ना, 2 कम है उससे। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को किस तरीके से लिखा, देखना समझना। हमने जो नहीं पता है वो है शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड हमें नहीं पता तो शॉर्टेस्ट साइड को हमने लेट कर दिया, दैट इज एक्स सेंटीमीटर शॉर्टेस्ट साइड होगी, है ना स्टूडेंट्स। तो लॉन्गेस्ट साइड उसने क्या था, लॉन्गेस्ट साइड इज द 3 टाइम्स ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, तो 3 टाइम्स आपके पास में हो गई, तो हमने शॉर्टेस्ट साइड को एक्स लेट किया, तो आपके पास में लॉन्गेस्ट साइड कितनी है, 3 टाइम्स का मतलब 3x हो गया। और उसकी जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड कितनी है, थर्ड साइड आपके पास में कितनी है, जो शॉर्टेस्ट साइड से उससे 2 लेस है, तो शॉर्टेस्ट साइड से 3x माइनस 2 कर दिया, तो क्या हो जाएगी, थर्ड साइड आ गई, ऐसा क्वेश्चन ने कहा। फिर क्वेश्चन ये कहा कि पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल जो है वो एटलीस्ट है, एटलीस्ट का मतलब हमने पहले भी पढ़ चुके थे कि एटलीस्ट का सिंबल कौन सा, एटलीस्ट का सिंबल इज द, जो आपके पास में वैल्यू है उसको क्या कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू कर देंगे, तो दैट इज अवर एटलीस्ट, ये हमारा एटलीस्ट हो गया। ओके, तो एटलीस्ट में आपको ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू एटलीस्ट है, मतलब मिनिमम से मिनिमम कितना होना चाहिए, कि मिनिमम से मिनिमम 61 होना चाहिए, मैक्सिमम तो मैक्सिमम तो सर बहुत सारा हो सकता है। ओके, तो मैक्सिमम आपके पास में पता नहीं है, तो मिनिमम तो एटलीस्ट का वैल्यू ये सिंबल लगा दिया हमने, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, एटलीस्ट हो गया। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है, तो बेटा पहली साइड प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड, फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड, तीनों साइड को हमने ऐड कर दिया, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61, हमको ऐड कर दिया 6 3 3 6 6 और 7x माइनस 2 दैट इज 61, हमने सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई, इसको सॉल्व किया 7 को डिवाइड किया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, मतलब मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम आपके पास में 9 होना चाहिए, मैक्सिमम तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन मिनिमम वैल्यू जो x की है वो कितनी होनी चाहिए, 9, मतलब 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब ये भी कह सकते हैं कि ये भी आंसर कैसा है, एटलीस्ट 9 होना चाहिए भैया, सीधी सीधी बात है कि एटलीस्ट आपके पास में कितना, एटलीस्ट 9, मतलब मिनिमम 9 होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास में कौन सा 25, जो बहुत ही सिंपल सा है आपके पास में, तो जो एटलीस्ट आपके पास में या मिनिमम 9 होना चाहिए वो कुछ इस तरीके का आपके पास में होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ आपके पास में। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कौन सा 26 की, 26 नंबर के क्वेश्चन को अपन को किस तरीके से करना है, 26 क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 26 है, मैं पढ़ता हूं अपने पास में बुक के अंदर, क्वेश्चन नंबर 26 आप भी अपने बुक में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम से आपके पास में, एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 आप भी आपके पास में देख सकते हैं आपके बुक के अंदर, है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहता है ये, अ मैन वांट टू कट द 3 लेंथ्स ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ अ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर्स, द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट इज टू बी ट्वाइस एज long as the shortest and the third length is to be the twice as the long as the shortest, what are the possible lengths of a shortest board if the third piece is to be at least the 5 centimeter longer than the second, samajhna, a man want to cut the 3 lengths of a single piece of a board, length is 91 centimeter length ka ek board hai, ek person hai jo uske beta 3 aapke paas mein pieces karna cha raha hai, 3 length mein usko cut karna cha raha hai, द सेकेंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, मतलब जो सेकेंड लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है शॉर्टर से, 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है, एंड द थर्ड लेंथ, जो थर्ड लेंथ है स्टूडेंट्स
इज द ट्वाइस एज ओल्ड एज द शॉर्टेस्ट, जो थर्ड लेंथ है वो शॉर्टेस्ट की कितनी है, ट्वाइस है. ओके फिर आपके पास है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, शॉर्टेस्ट बोर्ड की पॉसिबल लेंथ क्या हो सकती है. इफ द थर्ड पीसेस इज टू बी एटलीस्ट द 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, जो थर्ड पीसेस है मतलब जो थर्ड लेंथ है वो कितनी है, एटलीस्ट है 5 सेंटीमीटर ज़्यादा, किससे ज़्यादा है, सेकेंड लेंथ से ज़्यादा है. ओके अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जैसा कि मेरे पर्पस में यहाँ पे लिख रखा है. स्टूडेंट्स देखेंगे किस तरीके का क्वेश्चन आपके पास में है. क्वेश्चन ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि आपके पास में एक कार्डबोर्ड है जिसकी लेंथ है टोटल 91 सेंटीमीटर, उसको कट करना है 3 टुकड़ों के अंदर, 3 पीसेस के अंदर कट करना है. इस तरीके से कट किया है उसको कि जो फर्स्ट लेंथ है आपसे जो आपके पास में है, उसने कहा था कि जो सेकेंड लेंथ है वो कितनी है, शॉर्टेस्ट से 3 ज़्यादा है, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है. और आपके पास में जो थर्ड साइड है वो कितनी है, शॉर्टेस्ट की कितनी है, ट्वाइस है. तो शॉर्टेस्ट नहीं पता हमें, तो शॉर्टेस्ट को स्टूडेंट्स हमने लेट कर दिया कि शॉर्टेस्ट लेंथ है वो है हमारी एक्स है. स्टूडेंट्स शॉर्टेस्ट को हमने एक्स लेट कर दिया, जो शॉर्टेस्ट लेंथ है उसको अपने लेट कर दिया है एक्स. उसने कहा था कि सेकेंड लेंथ कितनी है, वो शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो 3 प्लस कर दिया. और जो थर्ड लेंथ है वो कितनी है, शॉर्टेस्ट की ट्वाइस है, तो शॉर्टेस्ट की ट्वाइस कर दिया, तो तीनों लेंथ आ गई. अब क्या हुआ, उसने ये कहा था जो कार्डबोर्ड है अगर आप उसको वापस मिलाएंगे तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 91 सेंटीमीटर. मतलब जो आपको कार्डबोर्ड है वो 91 सेंटीमीटर का ये 2-3 टुकड़े करके वापस ज्वाइन करेंगे तो 91 सेंटीमीटर रहेगा, या फिर क्या होगा, उससे कम रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि आप जब कट करेंगे तो भी मटेरियल कुछ वेस्ट होगा. तो 91 सेंटीमीटर से ज़्यादा तो आपका कार्डबोर्ड नहीं हो सकता. इसका मतलब है कि अगर तीनों लेंथ को x, x प्लस 3 और 2x को मैं ऐड करूँ तो आपकी जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, वो कार्डबोर्ड जो बनना है ना, जो बनने का कार्डबोर्ड वो कितना होना चाहिए, तो वो 91 होना चाहिए या 91 से कम होगा. तो हमने कहा कि तीनों लेंथ आपके पास द टोटल लेंथ ऑफ बोर्ड इज 91 सेंटीमीटर, देन x मतलब पहला, x प्लस 3 मतलब सेकेंड, और 2x मतलब थर्ड. फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी होगी, या तो 91 रहेगी या 91 से कम रहेगी. तीनों का सम कितना रहेगा, या तो 91 या 91 से कम रहेगा, क्योंकि ज़्यादा तो हो नहीं सकता. अब आप किसी चीज़ को काट के ऐड जोड़ोगे तो वापस क्या होगा, जो जितनी लेंथ है उसमें कम हो सकती है या उतनी की उतनी हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं बनेगी. तो हमने कहा कि सम ऑफ थ्री लेंथ इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 91. समझ में आ गई लेस देन क्यों लगा, क्योंकि जब आप वापस ऐड करोगे स्टूडेंट्स तो जो आपके पास में कार्डबोर्ड बनेगा वो तो 91 या 91 से कम का. तो इसको हमने सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास में कितनी, 22. तो आपके पास में x की एटमोस्ट वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, वो 22 से ज़्यादा का नहीं हो सकता x. उसने एक और कंडीशन दी हमारे क्वेश्चन के अंदर, आल्सो द थर्ड पीस, जो थर्ड लेंथ आपने निकाली है, इज टू बी एटलीस्ट, वो एटलीस्ट है किसकी, एटलीस्ट है 5 सेंटीमीटर टू द लॉन्गर देन द 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, टू द सेकेंड. समझना इस स्टेटमेंट का मतलब, ये कह रहा है कि जो थर्ड पीसेस है, थर्ड पीसेस कौन सा है स्टूडेंट्स, 2x, ये जो 2x है वो है एटलीस्ट. एटलीस्ट का मतलब तो हमने समझा था, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है. अभी अपने समझा था एटलीस्ट का मतलब कितना होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू. ये ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिया एटलीस्ट के लिए, एटलीस्ट लगा दिया हमने ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल, जो कितना है, एटलीस्ट है 5 सेंटीमीटर लॉन्गर. लॉन्गर का मतलब प्लस, भाई लॉन्गर का मतलब प्लस, लेस का मतलब माइनस. 5 सेंटीमीटर प्लस करना है, किसमें प्लस करना है, लॉन्गर देन टू द थर्ड द सेकेंड, लॉन्गर देन टू द सेकेंड मतलब सेकेंड कौन है, एक्स प्लस 3, उसके अंदर कितना प्लस करना है, 5, जो कि क्या होगा, एटलीस्ट होगा, किसका एटलीस्ट है, थर्ड साइड के लिए एटलीस्ट है. थर्ड साइड कौन है, 2x. समझ में आ गई बात इस स्टेटमेंट के मतलब कि थर्ड साइड इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन टू द सेकेंड. सेकेंड कितना था, एक्स प्लस 3. तो हमने इसको सॉल्व किया, आपने x को उधर भेज दिया, 2x माइनस x सब्ट्रैक्ट हो गया x, इस 5 प्लस 3 8 हो गया. तो x की वैल्यू कितनी होगी, इस ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है. इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि मिनिमम से मिनिमम लेंथ कितनी हो सकती है, 8, मैक्सिमम से मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, 22. मतलब जो x की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो 8 और 22 के बीच में है. मतलब आपके कार्डबोर्ड की जो लेंथ है आपके पास में वो 8 और 22 के बीच में रहेगी. ओके या तो मिनिमम आपके पास में 8 हो सकती है, मैक्सिमम कितनी रहेगी, 22. तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चंस. अब आपके पास में ये था क्वेश्चन नंबर आपका 26. इसी के साथ आपके पास में स्टूडेंट्स आपका जो एक्सरसाइज है कौन सी, 6.1 कंप्लीट होती है. ओके स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में. ओके स्टूडेंट्स बाय, टेक केयर.